गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज लेसन थर्ड एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए पार्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, कि जो राइट ऑप्शन है उसके ऊपर हमें टिक करना है। मॉनिटर डिस्प्लेज, मॉनिटर क्या दर्शाता है? मूवीज, इंफॉर्मेशन, बोथ। मॉनिटर पर हम मूवी भी देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन भी, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? बोथ। मॉनिटर इज आल्सो नॉन एज, मॉनिटर किस नाम से जाना जाता है? CPU, VDU और DVD। ओके, CPU, DVD, VDU। मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारा थर्ड, हाउ मैनी कीज आर देयर ऑन द कीबोर्ड, कि कीबोर्ड पर कितनी की हैं? 105, 106, 108। अबाउट 104 हैं और कुछ कीबोर्ड के अंदर 108 दी गई हैं, तो ना हमारा 5 ऑप्शन ठीक है ना 6। कितना आएगा हमारा? 108। इसका फोर्थ पार्ट है, डैश कीज आर यूज टू टाइप अल्फ़ाबेट, स्पेस बार, अल्फ़ाबेट, नंबर्स। अब हम कीबोर्ड से नंबर भी टाइप करते हैं और अल्फ़ाबेट भी, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ाबेट आएगा। अल्फ़ाबेट क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ाबेट पूछा गया है कि अल्फ़ाबेट यूज़ करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं? हम अल्फ़ाबेट का, और नंबर्स की टाइप करने के लिए हम नंबर का यूज़ करते हैं, ठीक है? और गैप देने के लिए हम स्पेस बार का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता हमारा, विच इज़ यूज टू इरेज ए लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ ए वर्ड, कि कौन सी की है जिसका प्रयोग हम राइट से इरेज करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं? बैक स्पेस, एंटर की और डिलीट की। डिलीट की में तो हमारा कंप्लीट डिलीट हो जाता है, एंटर की में हम नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे? सॉरी, बैक स्पेस की का। ओके, किसका यूज़ करेंगे? बैक स्पेस की का। नेक्स्ट हमारा राइट ट्रू और फॉल्स, कि ट्रू और फॉल्स लिखो। द फुल फॉर्म ऑफ VDU इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो VDU की फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। कीबोर्ड इज यूज टू टाइप ऑन द टेलीविज़न, कि कीबोर्ड का प्रयोग हम किस पर करते हैं? टेलीविज़न पर, तो ये क्या हुआ? फॉल्स हुआ। कीबोर्ड का यूज़ हम टाइप करने के लिए करते हैं। देयर आर 110 कीज ऑन द कीबोर्ड, उसने कहा कि कीबोर्ड के ऊपर 110 की हैं, नहीं 108 हैं या अबाउट 104 उसके आसपास होती हैं, लगभग 4 से लेकर 8 तक मिलते, स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर 108 मिलती हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। नंबर्स कीज आर 11 इन नंबर, नंबर की कितनी होती हैं? 11, तो ये क्या है? रॉन्ग। नंबर की कितनी होती हैं? 10, 0 to 9। 0 से लेकर आप 9 तक ऐड करोगे, इनको काउंट करोगे तो 10 होती है हमारी, 11 नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स। बैक स्पेस की इज़ यूज टू डिलीट ए वर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसने कहा लेफ्ट टू राइट, जबकि बैक स्पेस क्या करता है? राइट टू लेफ्ट, इधर से इधर आता है डिलीट करते हुए, ना कि इधर से इधर जाता है, ठीक है? राइट टू लेफ्ट आता, तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। ओके बेटा, और इसका सी पार्ट था फिर हमारा, चल आपके लिए आज ये दो ही काफ़ी हैं, छोटी क्लासेज है, दो ही आपको लर्न करने। ओके बेटा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ सकते हो। हैव ए नाइस डे माई लिटल स्टार।